Assalamualaikum friends, तो आज जैसे कि शब-ए-बारात है तो मैंने न्यू ड्रेस पहन लिया है और आज अम्मी भी ऐसे ही सेम ड्रेस पहनेगी और आपको बताना है कि ये वाला ड्रेस कौन से वाले ब्लॉग में दिया गया है। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है और आपको इसे कमेंट्स में बताना है। तो बहुत ही खास जन जैसे कि कोलकाता से नकलो गए थे घूमने के लिए, तो वो हमारे लिए ये लेकर आए थे। तो आज मैं इसी को सिलवा कर पहनी हूँ, तो उनके लिए सरप्राइज़ है क्योंकि बहुत सालों से ये सूट इसी तरह से रखा हुआ था। वालिद बेटा अस्सलाम वालेकुम, शबे बरात मुबारक। तो फ्रेंड्स अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ और शबे बारात का ड्रेस अभी पहनूंगी थोड़ी देर के बाद, तो आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो आज हम लोगों का बिरयानी बन रहा है, अभी बिरयानी दम में जा रहा है। तो आज हम लोगों के घर पे मटन बिरयानी बना है, तो बच्चे लोग का शेयर करूँगी क्योंकि आज सब बहुत ज़्यादा बिजी है नमाज और कुरान पढ़ने में, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी बच्चे लोग खा रहे हैं, अभी हम लोग भी खाने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शगुफ्ता की दुनिया में आज आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब खैरियत से हैं। तो आप सभी को रेजा फैमिली की तरफ से शबे बारात मुबारक हो। और आज बहुत ही बड़ा रात है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज बहुत ही बड़ा रात है फ्रेंड्स। तो आज के दिन आप सब नमाज पढ़िएगा रात भर और सारा दिन इबादत। तो आज आप लोग सभी हम सब के लिए दुआ कीजिए फ्रेंड्स, सब लोगों के लिए दुआ कीजिए क्योंकि आज जो दुआ मांगेंगे वो अल्लाह पाक हम सभी की दुआ को पूरे करेंगे। तो आप लोग दिल से दुआ कीजिएगा। और आज का हम लोग ब्लॉग भी बना रहे हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जैसे कि आज रात भर इबादत करेंगे और कल रोज़ा रखेंगे, तो कल रोज़ा वाला दिन भी हम लोग ब्लॉग शूट करेंगे और आज जितना बहुत मुझसे हो पाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ा बहुत, और कल का रोज़ा भी शेयर करूँगी आप लोगों से क्योंकि आज सब लोग बहुत ज़्यादा इबादत करेंगे, इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ब्लॉग लेते रहे। बट मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को थोड़ा बहुत करके सब कुछ दिखाऊँ। और आज की रात है अल्लाह को मनाने के लिए फ्रेंड्स, तो हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि अल्लाह को मनाएं। तो चलिए आप लोग भी बात करें। तो अभी हम लोगों का बन रहा है सूजी का हलवा, आफरा भी आई है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को शब-ए-बारात मुबारक। कोई भी पर्व होता है तो हम यहीं चले आते हैं क्योंकि हमको अम्मी लोग के साथ बहुत अच्छा लगता है। और आफरा का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोगों को उसकी आवाज़ से ही लग रहा था बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा फीवर था कुछ दिन पीछे, बट अभी ठीक हो गया है। और आप देखिए गाइस, सगुफ्ता मॉम मेरी हलवा बना रही है, आप लोग कमेंट से बताना कैसे लग रहा है। शगुफ्ता मम्मा मेरा ऑलराउंडर है, देख रहे हैं आप कितना मेहनत कर रही है। आइए आप लोग भी आइए और हलवा खाइए। जरूर जरूर। तो गाइस देखिए, अब ज़ारत करके आ गए हैं, कब्रिस्तान से आए हैं ज़ारत करके। तो हम लोगों का चना हलवा और सूजी का हलवा बन चुका है, तो अब सबसे पहले टेस्ट करेंगे अभी। तो फ्रेंड्स सारे लोग जा रहे हैं ज़ारत करने के लिए बिकॉज़ हम लोगों के घर के पास ही है कब्रिस्तान, मतलब 2-3 मिनट लगता है। तो सारे लोग देख सकते हैं जा रहे हैं ज़ारत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सबरात मुबारक हो, दुआ में सबको याद रखिएगा। देखिए माशाल्लाह से अम्मी भाभी, आज हम सब नए कपड़े पहने हैं फ्रेंड्स। हम लोग हर साल मतलब छोटे से ही शब-ए-बारात में न्यू ड्रेस ही पहनते हैं। देखिए माशाल्लाह मेरी अम्मी भी कितनी अच्छी लग रही है और हमारी भाभी का तो बात ही अलग है माशाल्लाह। तो देखिए अभी नीलू आप लोग भी आप लोगों से बात करना चाहती बिकॉज नीलू अभी सुबह से यार शायद भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, आप लोग कुछ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, शब-ए-बारात मुबारक हो सबको,
और दुआ में याद रखिएगा। शबे बारात मुबारक हो आप सबको और दुआ में याद रखिएगा। और शगुफ्ता के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी बहन बहुत मेहनत कर रही है, वो तो आप सब देख रहे हैं, क्योंकि आज शबे बारात का दिन है लेकिन इबादत का दिन है, लेकिन वो कोशिश कर रही है आप लोगों से शेयर करने का कि आज हमारा घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो कोशिश कर रही है आप लोग से शेयर करने का। तो प्लीज़ आप लोग देखिए। अरे माइक का जो बाहर से आवाज़ आ रही है वो तो लोग चंदा कलेक्शन कर रहे हैं मस्जिद के लिए, तो थोड़ा आवाज़ तो आएगी, उसमें क्या है, उन लोग नेकी का काम कर रहे हैं, ये भी एक इबादत है। एक चंदा कलेक्शन करके एक मस्जिद बनाना या कुछ अच्छे काम में ये पैसा लगाना, तो ये तो अल्लाह का अच्छा काम है ना। तो ये बोल रही है बहुत आवाज़ आ रही है, बहुत आवाज़ आ रही है, हम नमाज ठीक से पढ़ नहीं सक रहे, हम कुरान ठीक से पढ़ नहीं सक रहे, तो ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। तो वो उन लोग भी नेकी कर रहे हैं। सगुफ्ता बहुत ही इबादत कर रही है, मेरे तीनों बेटी इबादत कर रही है, भाभी भाभी भी वो नहीं दिखाते हैं, वो दिखाना सही नहीं है, वो दिखलाना जरूरी नहीं है। मेरे तीनों बेटी है, मेरी बहू है, माशाल्लाह हमारे आसपास भी बहुत इबादत हो रही है, इबादत हो रहा है, ये लोग दुआ कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं हर मुसलमान बहुत इबादत आज कर रहे हैं, ऐसे में माशाल्लाह रोजी करते हैं सब, नमाज कुरान तो रोजी करते हैं सब हर घर में, लेकिन आज शबे बारात है, आज रात है अल्लाह को मनाना है। बाबू बोलो। तो अभी हम लोगों का 12 बज रहा है रात का, तो थोड़े देर के बाद हम लोग इबादत करना रात का शुरू कर देंगे, थोड़े देर के बाद शुरू तो हम लोग कर दिए बहुत पहले, बट जो नाइट का जो होता है वो हम लोग थोड़े देर के बाद स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स अभी हम लोगों का रात भर का इबादत कंप्लीट हो गया है और अभी फजर हो चुका है, तो अभी हम लोग शेरी करेंगे, और जैसा कि कल रोज़ा है तो इस वजह से अभी हम लोग शेरी करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों का फजर का नमाज़ कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोग रोज़े की नियत से हैं, मतलब सारे लोग, तो अब हम लोग सोने के लिए जा रहे। तो फ्रेंड्स अभी मतलब दिन का 1:30 बज रहा है और बहुत लेट से उठे हैं, बिकॉज बहुत सुबह में सोए थे, तो अभी जस्ट उठे हैं और फ्रेश होने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी नमाज़ के लिए जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आज का दिन भी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी आज का अफ्तारी मैं बनाऊँगी, हर बार की तरह अफ्तारी का जो नाश्ता होता है फ्रेंड्स वो मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि घर के सारे लोग मेरे हाथ से ही खाना पसंद करते हैं, नाश्ता जो भी मैं बनाती हूँ। तो मैं अभी नाश्ता बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं दिखाऊँगी कि मैं आज क्या क्या बना रही हूँ, आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी आज। किचन में अभी चना चढ़ा हुआ है और अभी मैं घर के अंदर आ गई हूँ, अंडा चक रेडी करके उसके बाद वहाँ जाकर सब फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने अंडा चक पूरा टोटली रेडी कर लिया है, जैसा कि अब्बू अंडा चक नहीं खाते हैं तो अब्बू के लिए आलू चप बनाए हैं, और हम लोगों को आलू चप पसंद नहीं, इसलिए हम लोगों ने अपने लिए अंडा चप बनाया है। और जैसा कि हम लोगों का चना भी हो चुका है रेडी, तब इसे भूनेंगे। तो अभी हम अंडा चक के लिए बेसन रेडी कर रहे हैं, तो हम लोगों का बेसन थोड़ा सा पतला हो गया है, तो इसलिए हम लोग चावल का आटा दे रहे हैं इसमें। अगर आप लोगों का पतला हो जाता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग चावल का आटा या मैदा भी दे सकते हैं। देखिए अभी थोड़ा ठीक हो रहा है ये, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा नमक कम लगे तो नमक भी दे सकते हैं।
देख सकते हैं ये अच्छा फ्राई हो रहा है और अम्मी भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है हमारी, जैसे कि एग बॉईल कर चुकी थी और आलू भी बॉईल की थी, एग बॉईल की थी और अभी मतलब अम्मी जूस बना रही है। और आज का वेदर देखिए, रुक्षारा अपनी फ्रूट्स काट रही है। तो मैंने अभी जस्ट दाल बड़े छोड़े हैं और अंडा चॉप रेडी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, देखिए सबुक्ता कितने अच्छा अच्छा नाश्ता बना रही है, देख रहे एक चॉप भी बना चुकी है, अब दाल बड़ा निकाल रही है बना रही है। सबुक्ता की दुनिया में सिर्फ सबुक्ता को ब्लॉग बनाने नहीं आता है, हर चीज़ बनाने आता है, आप उससे कुछ भी बनवा दीजिए, ठीक है। खाना में देख लीजिए, दरबड़ा देख रहे हैं, मुँह पानी आ जा रहा है, इतना मज़ा बना रही है। और उसको सिर्फ ब्लॉग बनाने नहीं आता है, वो खाना भी बना लेती है, हाँ सब कुछ उसको आता है माशाल्लाह, ठीक है। उससे कपड़ा सिलवा लीजिए, कटिंग भी आता है, उसे मेहंदी लगवा लीजिए, ब्यूटिशन का पूरा कोर्स की हुई है और खाना भी बनवा लीजिए। देखिए देखिए माशाल्लाह कैसा छोड़ रही है, देखिए माशाल्लाह। और अभी मैंने चना भी निकाल लिया है गाइस, और यहाँ अम्मी और रुक्षारा आपकी रेडी कर रही है और भाभी तीन जन मिलकर सब कुछ रेडी कर रही हैं। तो माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब कुछ दिन बाद रमज़ान भी आने वाला है तो रमज़ान का भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देख सकते हैं माशाल्लाह, आप लोग ज़रूर बोलिएगा, अब अज़ान होने में 2-3 मिनट ही बाकी है। और बच्चे लोगों को देखिए, चैंप पेंटिंग कर रहा है, अभी वो बहुत छोटा है, उसको कुछ समझ नहीं है, जैसे कि योगी को भी देख सकते हैं। और योगी का बदमाशी देखिए, उसका एक्टिंग तो आप लोगों को पता है। और राजनंदनी का भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, कुछ ट्यूशन क्लास चल रहा है बिकॉज एग्ज़ाम चल रहा है उसका, मंडे से उसका एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, तो अभी वो यहाँ नहीं आ पाई है, तो अम्मी अभी उसे सब रूम में दे देंगी, उसकी बेडरूम में। आप लोग ही रोज़ा खोलिए, आइए, बहुत कुछ बना है माशाल्लाह, सब का सब कुछ बनाई है आज। तो हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया है बहुत देर पहले ही, थोड़ा टाइट फील कर रहे थे तो इस वजह से थोड़ा आराम कर रहे थे नमाज़ पढ़ने के बाद। तो अभी शाम का 7:30 हो रहा है और चाँद बहुत ही प्यारा लग रहा है, जैसा कि देख सकते हैं, मैं ज़ूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। और चाँद को देख कर छोटे से हम लोग सलाम करते हैं फ्रेंड्स, पता नहीं आप लोग क्या करते बट सलाम मैं करती हूँ। और तो इसी के बीच मैं अपना व्लॉग को एंड कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये शबे बारात का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप लोग, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा व्लॉग बना पाऊँ। आप लोग मुझे अच्छे से मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छा व्लॉग बना पाऊँ। तो इसी के बीच मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ।